गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बनाने वाली हूँ मैं एक कंप्लीट वीडियो। आप इस सेट को साड़ी सूट लहंगे गरारे शरारे पे पहन सकते हैं, प्लस कौन कौन से बैंगल्स लगेंगे स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखला देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। एक एक बैंगल्स आप लोगों को लगाना सिखाऊंगी। इससे पहले मैंने काच का चूड़ा, मारवाड़ी चूड़ा, सीप का चूड़ा, डॉट वाला चूड़ा, डिफरेंट डिफरेंट चूड़ों के डिजाइन सिखाया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एक एक बैंगल्स लगाने बताऊंगी और इसका रेशो भी बता दूंगी, और प्लस मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी एक हाथ का सेट कैसे बनाते हैं। और एक ही हाथ के सेट में से आपको नहीं पसंद आता तो दो हाथ का सेट बना के पहन सकते हैं उसी का ही, और कंगन को भी एडजस्ट करना बताऊंगी। वीडियो को मेक श्योर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसका रेशो बता दूँ, 1:1:1 के रेशो में मैंने इसे डिवाइड कराया है कुछ इस तरीके से, सिल्वर एंड पिंक के साथ। फिर जो बाकी के बैंगल्स हैं उन्हें को ऐड करते करते इसे एक कंप्लीट सेट बनाऊंगी। देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से आपको पहनना है तो पहन सकते हैं। आगे पीछे कंगन लगा के इसे हाईलाइट करके कंप्लीट सेट बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, वरना आपको कंगन का भी बताऊंगी कि आप कंगन किस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं काज के जुड़े के सेट कैसे लगते हैं गरारे शरारे लहंगे के लिए, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि डेली का सिखाती हूँ लॉन्ग शॉर्ट वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लॉन्ग वीडियो ज़्यादा लॉन्ग लगती है तो आप स्किप करके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो मैंने 4 मिनट की बताई है, फुल डिटेलिंग के साथ बताई है। प्लस मैंने आपको बताई है कि आपको कैसे एक सेट के अंदर और बाकी के बैंगल्स ऐड करने हैं। व्हाइट कलर के बैंगल्स ऐड करके आप ईच में, मैंने एक कंगन लगाया है देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये भी बहुत सुंदर सेट लगता है। आपको आगे पीछे न लगा के दो ही कंगन हो तो वो भी लगा सकते हैं आप। फिर मैंने बाकी के बैंगल्स लिए हैं 1:1 के रेशो में, मिड मिड डिवाइड करा है क्योंकि मुझे एक और सेट बनाना है इसी के अंदर ही। अगर आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको भी किसी कलर कॉम्बिनेशन का कंट्रास्ट का बैंगल सेट बनवाना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की डिमांड पे लेकर आऊंगी। इससे पहले जितनी भी डिमांडिंग वीडियो लाई हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। साथ में आप मुझे ये भी बताना कि आपको लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो में देखनी है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यू से न्यू पैटर्न क्रिएट कर देती हूँ आपके डिमांडिंग, और शॉर्ट वीडियो में मैं एक दो बना सकती हूँ। और मैंने शॉर्ट वीडियो में भी मैंने काट का चूड़ा, मारवाड़ी चूड़ा, सीप का चूड़ा, इतना ह्यूज कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करा है। मैंने पहले ही बोला है अगर आपको लॉन्ग वीडियो ज़्यादा लॉन्ग लगती है तो आप स्किप करके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेलवेट के हॉट पिंक कलर के मजेंटा वाले बैंगल्स लिए हैं। अगर आपको किसी और कलर कॉम्बिनेशन डालना है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वेलवेट के बैंगल्स कितने लेते हो और कैसे लगाते हो, तो यहाँ पर मैंने रेशो लिया है 1:1:2 के रेशो में लिया है। अभी बैंगल्स में ना अलग अलग रेशो डलता है तो इस वजह से मैं आपको एक पर्टिकुलर नहीं बता सकती कि इतना रेशो लेना, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें इतना लंबा सेट नहीं पहनना है, तो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी कि आप इस सेट को ही शॉर्ट बना सकते हैं और इसी सेट से ही दो हाथ का सेट बना सकते हैं जो आपको अभी दिखने वाला है। और आगे पीछे मैं यहाँ पर कंगन ऐड करके इसे कंप्लीट सेट बनाऊंगी। ये मेरा फाइनल पैटर्न है और इसी के अंदर ही ऐड करके मैं कम ज़्यादा करके आप लोगों को बताऊंगी कि कंगन कैसे एडजस्ट करने हैं, कंगन के दो टाइप कैसे लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से लगा के कैसे पहन सकते हैं। अगर आपके पास 6 कंगन है, 2 मोटे वाले 4 बारीक वाले, उसका भी मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसी को ही शॉर्ट कैसे कर सकते हैं सेट को। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लग रहा है, आपको साड़ी सूट या लहंगे पर भी छोटा ही सेट पहनना है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, 2 वेलवेट के बैंगल्स और एक छोटा 1 लाइन वाला बॉर्डर निकाल दिया है। इस तरीके से आप इतना सेट पहन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। नहीं तो आपको इसी सेट को आपको दो हाथ में कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पर मैंने मोती वाले बैंगल्स को हटा दिया है और प्लस यहाँ से एक बॉर्डर जो मिड वाला है इसे हटा देना है, और आगे पीछे से मोती वाले बैंगल्स हटा के वेलवेट के बैंगल्स से हाईलाइट करना है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप इस एक ही सेट को दो पे पहन सकते हैं और इसी को ही कंप्लीट करके एक हाथ में भी पहन सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे भी आपको इस तरीके का ह्यूज कलेक्शन मिलेगा। एक एक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप किस तरीके से वेलवेट के बैंगल्स लगा सकते हैं, किस तरीके से वन लाइन बॉर्डर वाले क्रिएट कर सकते हैं। आपको हमेशा एक एक स्टेप बताती हूँ ताकि आप अच्छे से गाइड हो सके। आगे पीछे कंगन लगा के इसे कंप्लीट सेट बना दिया। जो दूसरा पैटर्न है, यहाँ पर मैंने जो 6 वाला बैंगल सेट सभी के पास होता है, इसे आगे पीछे बारीक लगाना है तो आप बारीक लगा के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर ब्रॉड बन बैंगल्स जरूर लगाना है तो आपको यहाँ क्या करना है, मैंने वेलवेट के बैंगल्स एक यहाँ पर एक्स्ट्रा और लगाना था देखो यहाँ पर, और ऐसे करके आप एक एक्स्ट्रा बैंगल्स लगा के इसे कंप्लीट सेट बना सकते हैं। अगर आपको बीच में भी कंगन लगाना है तो फिर डबल मोती वाले बैंगल्स क्रिएट करने हैं, आप अपने एम्ब्रॉयडरी वर्क के अकॉर्डिंग गोल्डन सिल्वर जो लेना है आप वो ले सकते हैं। मैंने आपको कंगन के भी पैटर्न सिखा दिए हैं किस तरीके से आप लगा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपको इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। कमेंट में जरूर बताना कौन सा कलर कॉम्बिनेशन की वीडियो लेकर आऊं। बाय।